नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहाड़ दरकने से हादसा हुआ है और नेशनल हाईवे 5 पर यह हादसा हुआ है। इस हादसे में पत्थरों के नीचे जो चट्टाने गिरी है पहाड़ों से, उसके नीचे एक बस जिसमें 40 यात्री सवार थे मलबे के नीचे दब गई। इसी के साथ दो कार भी है जो मलबे में दब गई है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं और स्थानीय पुलिस है, उनके द्वारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार रूप से किया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें कि बस के जो कंडक्टर हैं और ड्राइवर हैं, उनको बहुत ज्यादा चोटें आई हैं और लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश भी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस हादसे को लेकर कहा है, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि लगातार लोगों की मदद की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जो भी संभव मदद होगी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो सैलानी है हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, लगातार लोगों से यह भी कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि कोरोना के इस वक्त में और जिस तरीके से वहां बारिश और जिस तरीके से लगातार वहां से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है, मना किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी जिस तरीके से सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं और अब यह बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो तमाम तरीके की मदद है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, गाड़ियाँ गई बोला और बसें दबे बोला इसमें। हाँ, गाड़ी की गई और पीछे से हुआ। निगुलसरी के समीप चील जंगल के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, गाड़ियाँ गई बोला और बसें दबे बोला इसमें। निगुलसरी के समीप चील जंगल के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, गाड़ियां गई बोला और बस दबे बोला इसमें। हाँ, गाड़ी की गई और पीछे से आवाज। निगुलसरी के समीप चील जंगल के पास एक। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।